हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, मैं आज एक बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी लेके आई हूँ। जो लोग नाइट सीरम मार्केट के यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल होम रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है, हम घर पे ही अपना सीरम रेडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल और मतलब आप बोल सकते हो कि सस्ते में हम बहुत ही सस्ता एक हम सीरम रेडी कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल के साथ हम बनाएंगे ये सीरम। कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में होता है, तो इस कोकोनट ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर मैं इस वक्त उसको उनको गिनवाने लगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं एक सीरम पे फोकस करूँगी कि हम इसका सीरम कैसे बना सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल लेना है साथ में, ये मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है, आप चाहे तो नॉर्मल वाला कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं ले रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल, ये विटामिन के कैप्सूल है। एंड ये है, दो टाइप्स के कैप्सूल आते हैं, एक इसमें आते हैं गोल्डन टाइप में, एक ग्रीन में, और एक इस टाइप के आते हैं। आप कोई भी विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं, रिजल्ट सबके सेम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूज़ करा इसके यूज से डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। रात को आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अच्छे से ड्राई करने के बाद आपको कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें अपने हाथ पे लेनी है। देन आपको विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल भी निकालना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस की मसाज करनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लूँगी कोकोनट ऑयल, देन मैं लूँगी विटामिन के कैप्सूल। इसको आप ऐसे कट कर सकते हो, ये मैंने इसका ऑयल निकाल लिया है। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और डैप डैप करके पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। फिर हमें इसकी अच्छे से करनी है मसाज, ताकि जो ये हमारे फेस पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। एंड अगर आपकी फेस ऑयली है तो आप इस ऑयल को मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। अगर आपका फेस ड्राई है तो आप पूरी रात ऐसे ही इस ऑयल को रहने दे सकते हैं। तो हल्के हाथों से मसाज करनी है, और मसाज इस तरीके से करनी है कि जो आइज़ के नीचे रिंकल्स होती हैं उनसे भी हमें फ़ायदा हो। आपको इस तरीके से अपनी जो आइज़ के नीचे इसकी मसाज है करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी दूर होंगे, और जो ये रिंकल्स पड़नी स्टार्ट होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। फोरहेड की ऐसे करनी है। सारी मसाज आपको ऊपर की तरफ करनी है, ताकि जो आपकी जो स्किन है वो टाइट रहे। इसी तरीके से आपने सारे फेस की मसाज कर लेनी है। जब ये हमारा जो ऑयल है ये हमारा ऑब्जर्व हो जाएगा हमारी स्किन में, मतलब कम से कम आपको ये 5 मिनट अपने फेस पे मसाज करनी है हल्के हाथों से। एंड फ्रेंड, इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं, अब कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसमें ग्लो आ जाएगा, ड्राइनेस दूर हो जाएगी, और जो ब्लैक पैचेस हैं या डार्क कोई भी ब्लैक निशान है वो धीरे धीरे मिटने शुरू हो जाएंगे। मतलब इस ऑयल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप चाहे नारियल तेल नॉर्मल यूज़ करिए, चाहे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ करिए, रिजल्ट्स अमेजिंग ही आते हैं हमेशा कोकोनट ऑयल के। कोकोनट ऑयल से आप अपने हाथों की मसाज भी कर सकते हैं, तो फेस की मसाज में तो ये बेनिफिट्स देते ही हैं। अगर आपको रात को टाइम नहीं लग रहा है अपने फेस की मसाज करने के लिए, तो आप कोकोनट ऑयल से दिन में भी अपनी मसाज कर सकते हैं फेस की। बट आप रात को अगर मसाज करेंगे तो ये पूरी रात मतलब हमारी स्किन के साथ वर्क करेगा ये ऑयल। देन उसके रिजल्ट मॉर्निंग में बहुत अमेजिंग होंगे। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।